खबर ऋषिकेश से है। नीलकंठ मंदिर समिति ने लिया ये फैसला, आम श्रद्धालुओं को पूजा की नहीं होगी अनुमति। लोगों से की गई घर पर ही पूजा अर्चना करने की अपील। नीलकंठ मार्ग पर गरुड़ चट्टी के चेक पोस्ट पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। होर्डिंग्स बैनर लगा दिए गए और लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा में यहां हर साल पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु। कांवड़ की यात्रा जब होती है तो नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए भी यहां लाखों की तादाद में हर साल श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं को बैन किया गया है, कांवड़ यात्रा को बैन किया गया है। वजह बिल्कुल साफ है कि कोरोना में धार्मिक जितनी भी यात्राएं हैं उन पर पाबंदी है। नीलकंठ महादेव मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए श्रावण माह में आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि घर में ही रहकर भगवान की पूजा अर्चना करें। तो ये नीलकंठ महादेव का मंदिर। राव राशिद इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी लेते हैं। राव राशिद, ये बताइए कि दरअसल बैन तो कांवड़ यात्रा पर भी लग गया है और अब नीलकंठ महादेव के दर्शन भी आम श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे। जो बाहर से आने वाले हैं उनके लिए ये पाबंदी है या उनके लिए भी जो यहाँ के लोकल हैं? जी बिल्कुल, राज्य सरकार पहले ही जो श्रावण मास की जो कांवड़ यात्रा है जो कल से शुरू होने वाली थी उसको स्थगित कर चुकी है। तो बाहरी राज्यों के जो आसपास के राज्य हैं, उत्तराखंड, आपका दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो राज्य हैं, अन्य जो राज्य हैं उनके जो शिवभक्त यहाँ आते थे उनको तो बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा। लेकिन जो हरिद्वार जिला पड़ता है और इधर देहरादून है और जो अन्य आसपास के जनपद भी हैं या फिर इस जो पौड़ी जिले में यमकेश्वर ब्लॉक में नीलकंठ धाम जो है वहाँ के भी अगर कुछ नजदीक के लोग हैं तो उनको भी मंदिर में दर्शन पूजन की फिलहाल अनुमति। राव राशिद, सवाल ये जानना चाहेंगे दर्शक के, जिस तरीके से चार धाम की यात्रा प्रदेशवासियों के लिए उस पर पाबंदी नहीं है, तो क्या जो लोकल लोग हैं वो भी जा पाएंगे दर्शन करने के लिए या उन पर भी पाबंदी? फिलहाल मंदिर प्रशासन और जो मंदिर का जो प्रबंधन है और जो स्थानीय वहाँ का व्यापार मंडल है उन्होंने एक बैठक की थी, उसमें ये प्रस्ताव पारित किया था कि जो मंदिर के कपाट हैं वो आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रखे जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से वहाँ पर पूजा अर्चना जरूर होगी और वो नियमित रूप से हो भी रही है और जो आरती है और जो भोग है वो लगता रहेगा, लेकिन श्रद्धालुओं को वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे वो क्यों ही ना पौड़ी जिले के श्रद्धालु हो, चाहे वो आसपास के जिलों के ही क्यों ना श्रद्धालु। शुक्रिया राव राशिद इस पूरी जानकारी के लिए आपका।